सत नमो आदेश गुरु जी के ओम गुरु जी। रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश। दुर्गा दुर्गति समनी दुर्गा पद निवारणी दुर्गम छिन्नि दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्गोद्धारणी दुर्गनी हंत्री दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदार दुर्दैत लोक दावानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपनी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संसता दुर्गमध्यभाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमा दुर्गमा स्वरूपनी दुर्गमा सुज हंत्री दुर्गमा युद्धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमो दुर्ग धारणी माँ भगवती को अलग आदेश। किसी से मेरी बात हो रही थी और आज के डेट में बड़ा मजेदार टॉपिक है सोल, क्या होता है सोल। तो मैंने उसको समझाया कि जो परमपिता परमेश्वर है, जो शून्य है, वो शून्य है। उसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि वो चलंत है, वो एनर्जी है। जो हम लोगों का मंत्र है शून्य शून्य महाशून्य, शून्य में एक ओमकार आओ सिद्धनाथ बिंदु पर करो विचार, मतलब जो शुरुआत है वो शून्य है, वो महाशून्य है। जैसे ही वो महाशून्य हो जाता है उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती सिवाय ये कि वो है। आप नहीं समझ रहे, मैं समझाता हूं आपको। महादेव को मान लेते हैं हम शून्य, बिल्कुल ही एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड पैकेट, शून्य। शुरुआत उसी से होनी है लेकिन उसको पता नहीं है कि शुरुआत कैसे हो, तो वो एक जगह इकट्ठा है, उसमें जो जाता है वो उसी का हो जाता है, जिसको ब्लैक होल कहता है साइंटिस्ट, महाशून्य कहते हैं हम अपने तंत्र की भाषा में। और फिर आती है माँ भगवती। ये साइंस बताता है कि एक तरह का आयन बिल्कुल स्टेबल रहता है, दूसरा उसके चारों तरफ एलिप्टिकल डांस करता है, उससे क्रिएशन होता है। तो शास्त्रों के हिसाब से भी एनर्जी जो जीरो है, जो शून्य है, वो शांत है, और जब माया उसके चारों तरफ नाचती है, नृत्य करती है, तो पूरे ब्रह्मांड का रचना होता है। ठीक है, अब इस माया को हम बहुत नाम से जानते हैं। तो जब एनर्जी में इंटेलिजेंस आया, मतलब भगवती महामाया आई, तो फिर समझ में आया कि क्या क्या हो सकता है, और तब संपूर्ण माया का रचना हुआ। माँ भगवती के प्रादुर्भाव से सब पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ। क्या कैसे होगा, क्या नदी होगी, क्या पहाड़ होगा, क्या पृथ्वी होगी, क्या जुपिटर होगा, क्या मार्स होगा, क्या इंसान होगा, क्या बंदर होगा, क्या सांप होगा, और क्या आंखें होंगी, क्या कान होगा, क्या पाचन तंत्र होगा। कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, जब उस शून्य में आके माया मिली, तो यही माया है जिसका हम साधना करें तो हर तरह के फल की प्राप्ति होती है। मतलब इस चर पृथ्वी पर जो भी चीज आप देखते हैं उसकी प्राप्ति के लिए इसी भगवती के शरण, महामाया की शरण में आपको जाना होता है। ठीक है, तो धन प्राप्ति के तो बहुत सारे मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र मैंने आपको बताया है पहले भी कुबेर का मंत्र मैंने आपको बताया है, आज मैं आपको बताता हूं थोड़ा हटकर एक चीज, यह है दुर्गा का साबर मंत्र। भगवती दुर्गा का जो आराधना है वो लोग इसलिए करते हैं ताकि उनका यश बढ़े, रूप बढ़े, रूपम देही जयम देही यशो देही, तीन चीज, रूप दो, यश दो और कीर्ति दो। ठीक है, लोग जय जयकार करें, ऐसा भगवती की उपासना से होता है। लेकिन अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा कि भगवती दुर्गा पार्वती ये मूल स्वरूप है। प्रथम चरित्र में दुर्गा का वर्णन आता है लेकिन ये मूल स्वरूप है और सारी भगवती
एक ही हैं और एक में ही बाद में विलय कर जाती हैं। युद्ध में एक ही शरीर से सब निकलती हैं, फिर एक ही शरीर में सब समा जाती हैं। तो भगवती दुर्गा के जो कि सिंहवाहिनी है, इनकी पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि सौम्य रूप में भगवती दुर्गा की जब आप पूजा करते हैं घर में, जिसमें शेर का मुख बंद हो, तो ये आपको समस्त भगवती की पूजा का आपको फल देती है, ठीक है। लेकिन अगर भगवती दुर्गा का आप धन के लिए पूजा करें, ठीक है, तो आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, दुर्गा का पूजा जो है वो नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए, और एक अष्ट धातु की मूर्ति आप खरीद लें, नहीं अगर अष्ट धातु मिलता है तो पीतल खरीदें, और उसके बाद आप अलग अलग मेटल्स का उनको ज्वेलरी पहना दें, ठीक है। ऐसा करने से वो अष्ट धातु की मूर्ति के समान हो जाता है और पूजा के लिए वो पूजनीय होता है। वो तो पीतल का भी होता है लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो रखें, उनके वस्त्र रखें, सप्ताह में एक बार बदलें, ओम भगवती देवी दुर्गाए नमः, उसका जो भी आपको समर्पण करना है, वस्त्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेद्यामि, तो धूपम दृश्या धूपम गृह्यामि, दीपम दृश्यामि, इस तरीके से माँ भगवती की रोज़ पूजा करें, बोला अलग अलग चीज़ों को आप चढ़ाएं, ठीक है। मैंने अपने किसी और वीडियो में बताया है कि भगवती को क्या क्या चढ़ता है पूजा के लिए, और भगवती का की खूब सेवा करें। भगवती के सेवा मात्र से आप लोगों को हर वो चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवती का एक साबर मंत्र जो आप घर में जप सकते हैं, ठीक है। ये साबर मंत्र नॉर्मल साबर मंत्र से थोड़ा हटके है, क्योंकि ये कम जाप में सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि अभी होली आने वाली, सॉरी अभी होली आएगी, ठीक है, नवरात्र आएगा, तो आपके पास काफ़ी ऐसे दिन हैं जिस दिन से आप इस मंत्र की का शुरुआत कर सकते हैं, और इस मंत्र का टोटल आपको 1,25,000 जाप करना है, ठीक है। उसके बाद जैसा आपके पास समय हो, ठीक है, जैसा आपकी आवश्यकता हो, उस हिसाब से कम कोशिश करना चाहिए कि एक माला रोज कर लें, ठीक है। इस मंत्र को सिद्ध करिएगा तो आपको नौकरी में भी उन्नति मिलेगी, व्यवसाय में भी वृद्धि मिलेगा, या जो भी काम है लक्ष्मी से वो आपका पूरा होगा। मंत्र सुनिए, ओम रिम शिम चामुंडा सिंहवाहिनी बीस हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन्य ध्यान देही देही कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम रिम शिम चामुंडा सिंहवाहिनी बीस हस्ता भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ पे आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन्य ध्यान देही देही कुरु गुरु स्वाहा। एक अंतिम बार मैं आपको तीसरी बार, क्योंकि मैं तीन बार बताता हूँ मंत्र, फिर से आपको बता रहा हूँ, ओम रिम श्रिम चामुंडा सिंहवाहिनी बीस हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ पे आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धन्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 1,25,000 जाप करिएगा, आपका जैसे 20-21,000 का जाप खत्म होगा आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि 35 दिन में आप इस मंत्र को पूरा कर लें। 35 दिन में अगर आप इस मंत्र को 1,25,000 कर लेते हैं तो गारंटीड मानिए कि आपका जो भी कार्य है, जो कार्य मतलब आपको लग रहा है कि धन नहीं आ रहा है या व्यवसाय मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा से नहीं चल रहा है, तो माँ दुर्गा भगवती की ऐसी माया है कि बिल्कुल ही जो रुका हुआ काम है वो आपका चलने लगेगा। इसके अलावा बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि व्यवसाय अच्छा चलता था, अब व्यवसाय नहीं चल रहा है, क्या करें नहीं करें, उनके लिए मैं एक लक्ष्मी साबर मंत्र अगले वीडियो में दूंगा, इसी सप्ताह दूंगा, और उस लक्ष्मी साबर मंत्र को अगर आप अपने व्यवसाय के स्थान पर बैठ कर करिएगा तो आपका जो भी रुका हुआ व्यवसाय है वो एक तो चलने लगेगा, दूसरा जो बहुत बड़ा चीज में ये होगा कि आपको उस मंत्र को करके, ये नहीं, लक्ष्मी साबर मंत्र जब मैं आपको दूंगा, अगर लक्ष्मी साबर मंत्र आपने ठीक ठीक कर लिया तो आप
अगर व्यवसायी हो तो आप, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी साबर मंत्र करके भगवती लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है। अगर आप, आप में इतनी शक्ति नहीं हो कि आप उस उनको प्रत्यक्ष देख सको, तब भी वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत आपको ज़रूर करके दिखाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगवती लक्ष्मी अब उनका आगमन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। पुराने बातें फिर से, अगर आप लोगों को मेरा किताब पढ़ना है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आप खरीद सकते हैं अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट स्नैपडील कहीं से भी। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कुछ बहुत ज़रूरी बात हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, लेकिन मुझे व्हाट्सअप तभी करें जब बहुत ज़रूरत हो। आप सभी को अलग आदेश, माँ भगवती आप लोगों को धन्य से परिपूर्ण करें। हरे हरे।